गुड आफ्टरनून कैंडल्स, या बिशुम या बिशुम या बिशुम, हे गिली 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 गिली, या बिशुम। कल के वीडियो में हमने बोला था कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर एक बहुत अच्छा मूव अपसाइड की तरफ आएगा। कल इसको वॉच करो, देखो अगर लग रहा है ना आपको 2605 के ऊपर, अगर प्राइस ने आपको बाइंग के सिम्टम्स दिखाए, आपको आपकी एंट्री कंफर्मेशन मिल रही 101% कहना गलत होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटीज आर वेरी हाई कि प्राइस अपना ये वाला गैप फिल करेगा ही करेगा, उसको करना हो तो यहां तक का टारगेट आपको। आज पूरी मार्केट नीचे की तरफ गिरी, निफ्टी को आप देखोगे तो पूरे दिन इसने डाउन साइड का मूव दिखाया। ये वाली कैंडल में 20 की कैंडल के बाद पूरी निफ्टी हमारी साइड हो गई, कोई बहुत बड़ा मूव इसके अंदर नहीं आया। एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर जबकि पूरे दिन हमारा अप में ही रहा है, आज का टॉप गेनर हिंदुस्तान यूनिलीवर बना। सो एक अच्छा मूव इसने दिखाया और कल की जो हमारी एनालिसिस थी उसको सही साबित इसने किया आज के दिन। दूसरा, आज हमने अपने स्टूडेंट ग्रुप में बजाज फाइनेंस को दिया था, एग्जैक्ट सेम लेवल से हमें शॉर्ट करना था। शॉर्ट सेलिंग का हमारा जो लेवल था 5826 के पास में, इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग करनी थी। सो इसके अंदर भी बहुत अच्छा खासा लोगों ने प्रॉफिट बुक किया था। एग्जिट करने के लिए भी हमने 10:15 यहाँ पर सब लोगों को बाहर निकलवा दिया था, बिकॉज फिबोनाची का जो लास्ट वाला लेवल था वो भी मार्केट पूरी तरह से टच कर चुकी थी। 1% से ज्यादा का मूव हमको बजाज फाइनेंस के अंदर से कैच हुआ। तो ओवरऑल ये एनालिसिस थी हमारे आज के ट्रेड की, जिस स्टॉक को हमने कल के दिन एनालाइज किया था और जिस स्टॉक को आज के दिन एनालाइज किया, दोनों ही स्टॉक्स ने एक अच्छा मूव दिखाया। सो ओवरऑल ये हमारा आज का दिन था, एंड काफी लोगों ने किसी छोटा किसी ने बड़ा, कुल मिलाकर के आज काफी लोगों ने प्रॉफिट बनाया। एंड हम टाइम पास करने के लिए शामरान देख रहे थे, अच्छी वेब सीरीज आप देखोगे तो अच्छा लगेगा। एंड अब हम लोग मिलेंगे कल, कल कोशिश करेंगे कि कोई एक अच्छा सा वीडियो आप लोगों के लिए बना करके हम पोस्ट करें, एक एजुकेशनल वीडियो। सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स एंड वी विल मीट।